हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। ठीक है, दारा शिको कौन है? तो बेसिकली ये शाहजहान, ठीक है, उनके सबसे प्यारे बेटे, ठीक है, दारा शिको, उन्हीं को मतलब राजगद्दी मिलता। ठीक है, बेसिकली वही बैठते, ठीक है, सिंहासन पर, यानी कि वही जो है रूल करते। लेकिन क्या हुआ, औरंगजेब को इसी बात का गुस्सा था, ठीक है, और इसीलिए जो है औरंगजेब अपने सारे भाइयों का मर्डर करवा दिया और पिता को बंदी बना दिया, ठीक है, और बिल्कुल अलग कारावास में उनको बंद कर दिया था, ठीक है, और वो खुद गद्दी पे बैठ गया था। यही था, ठीक है, स्टोरी हिस्ट्री में अगर आप जाइएगा तो यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना हम लोग किसका देखेंगे मैरिज, तो हम लोग दारा शिको का मैरिज को यहाँ पे पढ़ेंगे क्या कुछ है। ठीक है, लास्ट में एकदम पेंटिंग को दिखाएंगे और समराइज कर देंगे, ठीक है, कि अपने ओन वर्ड्स में आपको कैसे लिखना है वो बता देंगे। क्लियर है? चलिए तो अब इसको पढ़ते हैं, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। ठीक है, तो बेसिकली पेंटर का नाम है हाजी मदनी। ठीक है, हाजी मदनी, ठीक है, मदनी, हाजी मदनी नाम है। तो पीरियड क्या है? प्रोविंशियल मुगल। ठीक है, प्रोविंशियल मुगल हो गया। ठीक है, यहाँ पर अकबर का टाइम तो मुगल और अब शाहजहां का टाइम तो प्रोविंशियल मुगल। ठीक है, अच्छा, मीडियम क्या यूज होगा? वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक क्या यूज होगा? टेम्परा। कलेक्शन क्या है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सिरसा देखो कितना है, 1740 से 1750 AD। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम शुरुआत से एकदम बताते आ रहे, जितना भी मतलब मेरा टॉपिक देखिएगा, ठीक है, सभी में हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, राजस्थानी पढ़ाए, पहाड़ी पढ़ाए, मुगल अब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये बताते आ रहे हैं मुगल्स तक। ठीक है, मतलब बेसिकली इतना मान के चलो मुगल्स तक क्या है अपना, तीन चीज कॉमन है। ठीक है, कोई भी पेंटिंग में आपको लिखना है ये तीन चीज तो आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, कुछ याद ना आए तो ठीक है, तब पर भी आपको ये लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? तो टेम्परा क्या है, टेक्निक यूज हुआ है, मीडियम यूज हुआ है, वाटर कलर ऑन पेपर। ठीक है, वाटर कलर से जो है पेपर के ऊपर पेंट किया गया है, और जो है कलेक्शन क्या है, कलेक्शन यानी कि हमको कहाँ ये पेंटिंग देखने को मिलेगा, तो ये आपको नेशनल म्यूजियम में मिलेगा, ठीक है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, जब कभी भी आप नेशनल म्यूजियम जाएंगे, ठीक है, न्यू दिल्ली, वहां पे आपको इस पेंटिंग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये तीन चीज कॉमन है, एकदम बिना सोचे समझे किसी भी पेंटिंग में लिख देना। हाँ, लेकिन वो होना चाहिए किसका, राजस्थानी या तो पहाड़ी या तो मुगल। ठीक, आगे बंगाली वगैरह स्टाइल में है, ठीक है, उसका हम लोग पढ़ेंगे अलग, क्या उसमें भी सेम रहता है या फिर उसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे हालांकि। ठीक है, इसके बाद देख लो ना यहाँ पे, मतलब बेसिकली डेकनी में अगर हम लोग आएंगे ना, तो डेकनी में भी आपका क्या है, वही चीज है, तीनों सेम। ठीक है, कलेक्शन, टेम्परा, ठीक है, यूज हुआ टेक्निक, टेम्परा, मीडियम वही है, और साथ ही साथ कलेक्शन भी वही। ठीक है, ओके, तो मतलब चार चीज कॉमन। ठीक है, राजस्थानी हो गया, पहाड़ी हो गया, मुगल हो गया, डेकनी हो गया, सभी में ये कॉमन। ठीक है, ये तीन चीज है। अब क्या ये बंगाली स्कूल वाला जो हम लोग पढ़ेंगे, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, क्या उसमें भी हमको यही चीज देखने को मिलेगा, वेदर इट इज और नॉट? तो देखो यहाँ पे जो है ना, हम बता दें कि यहाँ पे आपको डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि बंगाल साइड चला गया, ठीक है, बिल्कुल अलग हट कर। ठीक है, और तो थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, तो आपको बेसिकली मीडियम हो सकता है सेम मिले, ठीक है, यानी कि वाटर कलर ऑन पेपर, लेकिन टेक्निक और आपका जो कलेक्शन है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मतलब इतना चार चीज समझना है, राजस्थानी, पहाड़ी, डेकनी और मुगल, चार में सेम है एकदम। ठीक है, आराम से लिख देना बिना सोचे समझे। क्लियर? अब देखो, हाजी मदनी हैज कंपोज दिस मिनिएचर पेंटिंग वेरी प्लेसिडली एंड क्लियरली ऑन अ बिगर पेपर। ठीक है, ये देखो मिनिएचर पेंटिंग यानी कि मिनी मिनी साइज में आपको छोटे छोटे आदमी दिख रहे हैं। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प के जितना साइज के अंदर जो इस पूरे को पेंटिंग को बनाया गया। ठीक है, हर एक बारीकी चीज को जो है ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ को दिखाना है। ठीक है, जो कुछ भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बस फर्क क्या है कि अब तक जितना भी मिनिएचर पेंटिंग पढ़े उसमें जो है मतलब सिर्फ लिख रहा था कि मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है। ठीक है, मतलब क्या, पोस्टल स्टैम्प के जितने छोटे से साइज के अंदर पेंटिंग बना हुआ। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया बिगर, बिगर पेपर का यहाँ यूज किया गया, बात समझ में आ रहा है? मिनिएचर मतलब यहाँ पे मिनी मिनी क्या हो रहे हैं आपके, लोग दिख रहे हैं। ठीक है, सब कुछ जो है, ठीक है, बस वही है क्या, थोड़ा सा जो पोस्टल स्टैम्प था उससे थोड़ा सा बड़े साइज में पेपर के ऊपर जो है इतना सब कुछ बनाया गया। क्लियर?
ओके तो यहाँ पे यहाँ तक अगर हम लोग देखें ठीक है, तो बिगर पेपर विद टेम्परा टेक्निक ऑफ वाटर कलर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1740 से 50 तक, ठीक है एडी। इन दिस मल्टी कलर्ड एंड एक्सटेंसिव पेंटिंग ए ग्रुप ऑफ पर्सन हैज बीन शोन ऑन अ राइट साइड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड अदर साइड इज ऑन द लेफ्ट साइड माउंटेड ऑन द हॉर्सेज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड एलिफेंट्स विच हैव बीन शोन इन रोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात कुछ समझना है, देखो एकदम स्टार्टिंग है ठीक है, तो हम इसको बता देते हैं। देखिए इस जो पेंटिंग है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ लड़की वाले हैं ठीक है, एक दूसरी तरफ लड़के वाले हैं ठीक है। तो जो लड़के वाले हैं उनकी तरफ क्या है, हॉर्सेस हैं, एलिफेंट्स हैं, बहुत कुछ है ठीक है, इस तरह से है हॉर्सेस और एलिफेंट्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा ठीक है। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है जश्न मना रहे हैं ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा है आपका, आतिशबाजी, यानी कि ऊपर क्या हो रहा है आपका, पटाखे जलाए जा रहे हैं ठीक है उनके खुशी में ठीक है, मैरिज हो रहा चुकी, तो ऊपर आसमान में वो पटाखे जलाते हुए दिखाई देंगे, ढोलक वगैरह ठीक है, ड्रम्स वगैरह बड़े बड़े बजाते हुए दिखेंगे ठीक है। आपको उस पेंटिंग में इतना सब कुछ देखने को मिलेगा, नृत्य कर रहे हैं ठीक है, यानी कि आपको डांस करते हुए लोगों को दिखाया गया है ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इस पेंटिंग को, समझेंगे ठीक है, पहले इतना देखते हैं, एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ, देखो इसको समझते हैं। तो हाजी मदनी जो है इस मिनिएचर पेंटिंग को बहुत ही प्लेसिडली यानी कि ब्राइट कलर्स का यूज करते हुए क्या किए हैं ठीक है, इस पेंटिंग को बनाए हैं थोड़े से बड़े पेपर में ठीक है। क्या टेक्निक यूज किए हैं, तो वाटर कलर यूज किए हैं ठीक है, टेम्परा टेक्निक के साथ ठीक है। पीरियड कौन सा, तो 1740 से 1750 AD के बीच में ये बनाया गया पेंटिंग ठीक है, प्रोविंशियल मुगल के टाइम में, समझ में आ रहा है बात। प्रोविंशियल मुगल मतलब मुगल हो गया, क्या हो गया अकबर का टाइम, प्रोविंशियल मुगल हो गया शाहजहां के टाइम का ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसके आगे जब पीढ़ी जैसे कि जनरेशन बाय जनरेशन आगे जाता है ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे उसको दिखाया गया ठीक है कि ये सब यूज किया गया है, और इसमें मल्टी कलर के आपके और बहुत सारे इस पेंटिंग में मल्टी कलर का इस्तेमाल किया गया है, एक्सटेंसिव लुक दिया गया ठीक है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन को यहाँ पे दिखाया गया है ठीक है, कि राइट साइड में कुछ लोग खड़े हैं और ग्राउंड पर, और दूसरी तरफ क्या है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा हाथी है ठीक है, बहुत सारे हाथी और घोड़े जो है आपको दिखाई देंगे ठीक है, और वो सारे के सारे रोज में खड़े हैं ठीक है। रो एंड कॉलम हम लोग पढ़ते हैं ना ठीक है, या तो आप मैथ्स में बात कर लो या कंप्यूटर की बात कर लो ठीक है, रोज एंड कॉलम से, या इन जनरल भी हम लोग कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मतलब रोज हो गया ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, रोज में सारे क्या है यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक तरीके से ठीक है खड़े हैं सारे एलिफेंट्स और हॉर्सेस ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिफेंट्स और हॉर्सेस जो है ये किस तरफ का है बताओ, लेफ्ट साइड ये सब कुछ खड़ा है ठीक है, एलिफेंट्स और हॉर्सेस हैं खड़े ठीक है ग्राउंड पर, यानी कि इधर लेफ्ट साइड में लड़के वाले ठीक है, यानी कि दारा शिको और शाहजहां के लोग ठीक है, मतलब शाहजहां की तरफ से लोग हैं ठीक है। और जो राइट साइड में जो बात किया जा रहा है वहां पे लड़की वाले हैं ठीक है, यानी कि राइट साइड में वो लोग खड़े हैं ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वहां पे खड़ा है राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में जो एलिफेंट्स के साथ ग्रुप ऑफ पर्सन है ठीक है, एलिफेंट्स और हॉर्सेस के साथ ठीक। अब देखते हैं आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन दिस पेंटिंग द पेंटर हैज शोन द डिस्टिंक्टिव मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकू, द एलिफेंट्स हैव बीन यूज्ड फॉर फीमेल मेंबर्स ऑफ द ग्रूम साइड ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, अब इसमें जो हम बताए कि एलिफेंट्स है और हॉर्सेस हैं, ये सभी के सभी दिखाया गया ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया गया कि कौन सा जो है लड़की वाले की तरफ से और कौन सा लड़के वालों की तरफ से ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली क्या कहा गया है ठीक है, आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं ठीक है, इस पैराग्राफ को पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर समझाते हैं। इफ यू मेल ठीक है मेंबर्स ऑफ द मैरिज प्रोसेशन हैव बीन माउंटेड ऑन द एलिफेंट्स फॉर बीटिंग द बिग साइज्ड केटल ड्रम्स ऑन द अदर ऑन द राइट साइड द पेंटर हैज शोन विग इक्विपाइड ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑफ द ब्रिज ऑफ द ब्राइड फैमिली ठीक है। लेडीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, दीज पर्सन हैव बीन शोन वेटिंग ईगरली टू वेलकम द ग्रूम एंड अदर एसोसिएट्स ठीक है। देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है कि इस पेंटिंग में जो है पेंटर जो है यानी कि पेंटर कौन है, हाजी मदनी ठीक है, वो यहाँ पे क्या किए हैं डिस्टिंक्ट जो है फिगर जो है दिखाए हैं मैरिज प्रोसेशन का, दारा शिको का मैरिज का प्रोसेशन का ठीक है।
यहाँ पे एलिफेंट्स को जो है दिखाया गया है क्या, तो एलिफेंट्स जो है बेसिकली ये क्या है, फीमेल मेंबर्स यानी कि ग्रूम साइड्स है, ग्रूम यानी कि दुल्हन के, ठीक है, दुल्हन के तरफ से है, ठीक है, यूज्ड फॉर फीमेल मेंबर्स, ठीक है, फीमेल मेंबर्स के लिए जो है, देखो ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे एलिफेंट्स का जो है यूज किया गया किसके लिए, फीमेल मेंबर्स के लिए, यानी कि जैसे कि शाहजहां की से की तरफ से जो फीमेल मेंबर्स होंगी, ठीक है, उनकी दादी परदादी जो भी हो, ठीक है, इस तरह से जो भी रिलेटिव्स जो फीमेल हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगी, वो सब उस एलिफेंट पे बैठ के आ रही है, ठीक है, तो वो सब के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। उसके बाद कुछ मेल जो मेंबर हैं, ठीक है, मैरिज के लिए जो प्रोसेशन को देखने के लिए, ठीक है, वो लोग आए हैं, कुछ लोग जो है क्या किए हैं, एलिफेंट पे बैठे हुए, ठीक है, मेल लोग, ठीक है, यानी कि मेल मेंबर्स जो है उस मैरिज प्रोसेशन के, वो क्या किए हैं, एलिफेंट के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। अब ये किस मकसद से बैठे हैं, तो ये जो है बड़े बड़े साइज के जो केटल ड्रम्स है ना, यानी कि बड़े बड़े जो ड्रम हो गया, मतलब जैसे ढोलक हो गया तो अलग बात है, ठीक है, ड्रम हो गया बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उसको बजाने के लिए जो है उसको क्या करेंगे, उससे आवाज कैसे निकलेगा, तो उसको स्टिक से मारेंगे तो आवाज निकलेगा, ठीक है, ड्रम को ड्रम के ऊपर मारेंगे तो आवाज निकलेगा, तो इसीलिए जो है वो क्या कि एलिफेंट्स के ऊपर बैठे हैं बड़े बड़े साइज का ड्रम्स लेकर और उसको बजा रहे, ठीक है। और ऐसे जनरली फीमेल मेंबर्स के लिए जो है एलिफेंट्स को लाया गया, ठीक है, और मेल के लिए तो घोड़े हैं ही, ठीक है, तो घोड़े के ऊपर बैठ के आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे में मतलब क्या कुछ लिखा है, तो देखो राइट साइड में जो है ना पेंटर यहाँ पे दिखाए हैं बहुत सारे आदमी को, ठीक है, जो कि दुल्हन की फैमिली की तरफ से आए हैं, ठीक है, लेडीज भी इसमें शामिल है, ठीक है, इस ग्रुप में, और साथ ही साथ बहुत सारे पर्सन को दिखाया गया है जो ईगरली जो है वेलकम करने के लिए बैठे हुए, ठीक है, मतलब इंतजार में बैठे हुए, ठीक है, किनका, दूल्हे का, ठीक है, बेसिकली ग्रूम का, ठीक है, उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी सारे लोग जो है ईगरली वेट कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं। आगे देखते हैं थर्ड पैराग्राफ, इन द मिडिल ऑफ द पिक्चर, ठीक है, एकदम पिक्चर जैसे कि क्या है, एक राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, यही है ना बात, और बीच में खाली, तो यानी कि मिडिल के बारे में बात कर रहा है। इन द मिडिल ऑफ द पिक्चर द पेंटर हैज शोन दारा शिको माउंटेड ऑन अ हिल, ठीक है, एंड नियर बाई डार्क ब्राउन कलर्ड कैपरिशन हॉर्स इन वेल डेकोरेटेड रॉयल एपरल्स कवरिंग हिज फेस विथ द स्ट्रैंड्स मेड ऑफ पर्ल्स, ठीक है, द पर्सन्स ऑफ द रॉयल फैमिली आर स्टैंडिंग टूगेदर विथ हिम, बिहाइंड हिम हैज बीन शोन शाहजहां माउंटेड ऑन अ कैप्रेस्ड हॉर्स इन रॉयल एपरल्स एंड मैनर, अराउंड हिज फेस हैज बीन शोन हैलो विद ग्रीन कलर, इन द बैकग्राउंड सम ऑफ द स्पेस हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक, द कलरफुल डिस्प्ले ऑफ द फायर वर्क हैज बीन शोन इन द बैक पार्ट ऑफ द पिक्चर। देखो बात को एकदम समझना है, ठीक, देखिए इसमें क्या कहा है कि एक राइट साइड हो गया, ठीक है, राइट साइड में कौन लोग खड़े हैं, राइट साइड में लड़की वाले यानी कि ब्रिच ब्राइड की फैमिली लोग, ठीक है, जो कि वेलकम करने के लिए गर्ली वेट कर रहे ग्रूम का, ठीक है, और लेफ्ट साइड में लड़के वालों को दिखाया गया, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे शाहजहां और दारा शिको को बीच में दिखाया गया, ठीक है, तो मिडिल पार्ट ऑफ द पिक्चर में पेंटर जो है दारा शिको को दिखाया गया, ठीक है, वो क्या है घोड़े पे बैठे हुए, ठीक है, घोड़े पे बैठे हुए हैं और एक डार्क ब्राउन कलर का जो है वो क्या किए हैं कपड़े को, यानी एपरल्स, ठीक है, एक डार्क ब्राउन कलर का जो एक हॉर्स है, ठीक है, कैप्रेसाइज्ड हॉर्स, उसके ऊपर बैठे हुए, ठीक है, बहुत ही रॉयल यानी कि जो शाही है, ठीक है, शाही जो है वो कपड़े पहने हुए, ठीक है, वेल डेकोरेटेड, और अपने फेस को जो है स्ट्रैंड से कवर किए हुए, जो कि अब देखो मामूली क्या होता है, अगर मामूली जैसे कोई भी मैरिज प्रोसेशन में, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, अगर जिनके यहाँ मतलब ऐसे होता है, ठीक है, कि मतलब आगे से क्या होता है दूल्हे का जो फेस है उसको ढक दिया जाता है ना, तो वो जो है या तो मतलब फूल से टाइप का बना होता है या तो क्या होता है, या बहुत ज्यादा चूंकि अमीर है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अमीर क्या, यहाँ पे तो राजा है, ठीक है, राजा का बेटा का शादी है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो तो मामूली कोई पुष्प से तो नहीं होगा, है ना, फूलों से तो नहीं होगा, तो यहाँ पे पर्ल्स का जो है बनाया हुआ है, ठीक है, और उससे वो क्या किए हैं उसको ढके हुए हैं, ठीक है, क्लियर है,
समझ में आया, बहुत पुराने जमाने में वो चलता था, ठीक है, फूल वाला सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जाके क्या हुआ, मोदियों वाला सिस्टम चालू हुआ। और अब ये चूंकि क्या है, राजा है, ठीक है, राजा के बेटे का शादी है, इसलिए जो उनके जो बेटे हैं दाराशिकोह वो क्या है, जो अपने फेस को कवर किए वो पर्ल से कवर किए, ठीक है, स्ट्रैंड जो कि पर्ल से बना हुआ है, क्लियर है। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे राइट साइड में ये चीज़, ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे जो कुछ पर्संस को जो है यहाँ पे दिखाया गया रॉयल फैमिली से, ठीक है, जो कि साथ में क्या है, खड़े हैं उनके साथ, यानी कि बेसिकली शाहजहां और जो दारा शिकोह है उनके साथ, ठीक है, कुछ लोग खड़े हुए हैं रॉयल फैमिली के, ठीक है, और उनके पीछे, ठीक है, यानी कि दारा शिकोह के पीछे, या फिर यहाँ पे देखो जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग उनके पीछे खड़े हैं, किनके पीछे, दारा शिकोह के पीछे, ठीक है, जो रॉयल फैमिलीज के जो लोग हैं, ठीक है, और उनके भी पीछे, ठीक है, यानी कि बिहाइंड दोज पर्संस, ठीक है, उन सारे पर्संस के पीछे कौन है बताइए, शाहजहां है, ठीक है, उनके पिता। तो शाहजहां जो है वो भी एक कैप्रिसाइज्ड हॉर्स के ऊपर बैठे हैं, रॉयल एपरल्स, यानी कि बहुत अच्छे से मतलब कपड़े वगैरह, ठीक है, एकदम शाही, ठीक है, तरीके से बैठे हुए, ठीक है, और उनको जो है थोड़ा सा अलग दिखाया गया है यहाँ पर। उनके पीछे जो सर है ना, यानी कि सिर के पीछे जो है एक हैलो ग्रीन कलर से बनाया गया, ठीक है, हैलो मतलब हो गया एक सर्कुलर सा दिखाने के लिए, जो कि अगर किसी स्पेशल चीज को दिखाना होता है, जैसे कि लेट सपोज एग्जांपल ले रहे, जस्ट एक एग्जांपल, ठीक है, लेट सपोज कोई भी हम गॉड का बनाते हैं, ठीक है, मान लो कोई भी गॉड का, जैसे बुद्धा का अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर जैनिज्म में अगर हम महावीर का ले लेते हैं, ठीक है, महावीरा का, उनमें देखिए ऊपर आपको क्या दिखेगा कि उनका जो सिर है, यानी कि जो हेड है, हेड के पीछे आपको एक सर्कुलर सा, ठीक है, हाफ सेमी सर्कुलर भी नहीं, ठीक है, तो वो एक हैलो होता है, उसको हैलो बोलते हैं, ठीक है, HALO, तो वो जो है यहाँ पे दिखाया जाता है। उससे क्या होता है, सिग्निफाई करते हैं कि वो हम इंसानों से अलग है, यानी कि समथिंग डिफरेंट, ठीक है, तो कुछ डिफरेंट पर्सन है, तो चूंकि वो गॉड है तो यस डिफरेंट तो है, होंगे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि ये तो गॉड नहीं है, ठीक है, शाहजहां गॉड नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनको जो है खास तौर पे दिखाया गया, क्योंकि चूंकि उनके पिता हैं, ठीक है, दारा शिकोह के, और वो एक एम्परर है, ठीक है, वो एक एम्परर है, राजा है, तो उनको जो है यहाँ पर जो है ग्रीन कलर से ऊपर हैलो बनाया गया, ठीक है, ताकि लोगों का जो ध्यान जो है ना वहां पे जाए, ठीक है, आकर्षित हो, ठीक है, इसलिए उसको वहां पे बनाया गया, क्लियर। तो एक डार्क जो है उनके फेस के अराउंड जो है एक डार्क ग्रीन कलर से हेलो बना हुआ है। बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्पेस जो है क्या है, खाली है, ठीक है, यानी कि आप देखेंगे दारा शिकोह के बगल में पूरा स्पेस खाली है, ठीक है, अभी जस्ट दिखा रहे, जस्ट अभी थोड़ा सा बस बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते, ठीक है, पूरा ब्लैंक है। उसके बाद जो कलरफुल जो डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऊपर जो बताए थे, ठीक है, ऊपर क्या पटाखे वगैरह जलाए जा रहे, तो फायरवर्क्स जो है दिखाया गया है, ठीक है, ऊपर बैक पार्ट ऑफ द पिक्चर में, बैक पार्ट कहने का मतलब स्काई, ठीक है, तो बैक पार्ट यानी कि इसलिए कहा है क्योंकि वो स्काई को है ना ब्लैक दिखाया गया, इसीलिए जो है बैक पार्ट लिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बैक पार्ट ऑफ द पिक्चर में जो है कलरफुल डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स को दिखाया गया, ठीक है। अब चलिए इस पेंटिंग को देखते हैं, थोड़ा सा एक पैराग्राफ बचा हुआ है, ठीक है, उसको खत्म करके दिखाए या फिर ऐसे दिखा देते हैं, चलिए तो पहले चलिए पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ तो यहीं खत्म हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है, उसके बाद हम इस पेंटिंग को दिखाएंगे, क्लियर। तो देखो क्या है आगे, इन फ्रंट पार्ट ए यंग बॉय हैज बीन शोन डांसिंग, ठीक है, फ्रंट पार्ट में आपको एक यंग यानी कि एक जवान लड़का जो है क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ द पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए सम पर्सन्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स साइड टेकिंग अ वेल इक्विपाइड प्लेटर एज अ गिफ्ट एंड आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट रो, ठीक है, ऑर्डरली कंस्ट्रक्शन अराउंड द फोर साइड्स ऑफ दिस पेंटिंग विथ रेड एंड ब्लू कलर्स ऑन ए बेस ऑफ गोल्डन कलर आर यूज एज अ बॉर्डर, द स्किल्स एंड द एंड्योरेंस ऑफ द पेंटर इज प्रेज वर्दी, दिस पेंटिंग इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द सुहे, ठीक है, सुबाई, ठीक है, सुबई
मुगल स्टाइल और प्रोविंशियल मुगल स्टाइल, ठीक है। देखो इस पैराग्राफ में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द पेंटिंग में एक यंग बॉय, एक जवान लड़की को, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया डांस करते हुए, ठीक है, कि वो डांस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ लोग को दिखाया गया है जो कि लड़की और लड़की वाले के साइड से दिखाया गया, ठीक है, कि उन दोनों की, यानी कि इसलिए यहाँ पे वर्ड किया यूज किया गया है ब्राइड, ठीक है, ब्राइड एंड दुल्हन, और ग्रूम्स मतलब, ग्रूम मतलब हो गया दूल्हा, ठीक है। तो यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों के साइड से जो इंसान है, ठीक है, लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने गिफ्ट के साथ आए हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, फ्रंट रो में खड़े हैं, ठीक है। और ऑर्डरली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन दिखाया गया, ठीक है, चारों तरफ से जो पेंटिंग को दिखाया गया है एक बॉर्डर के साथ मतलब बनाया गया, ठीक है। इस पेंटिंग को जो खत्म हुआ है तो साइड में बॉर्डर जो बनाया गया वो जो है आपका बॉर्डर रेड और ब्लू कलर से जो है बनाया गया, विथ बेस जो है गोल्डन रखा गया, ठीक है, गोल्डन कलर का बेस है, ठीक है, बॉर्डर का, क्लियर। अच्छा आगे देखो, ये जो स्किल है, ठीक है, जो ये पेंटर बनाया है, ठीक है, बहुत ही प्रेज वर्दी, बहुत ही अच्छा पेंटिंग, ठीक है, बहुत मेहनत करके इसको पेंटिंग को बनाया गया, ठीक है, एज अ रियलिस्टिक लुक दिया गया, ठीक है, मतलब जो कुछ है हर एक चीज, हर एक घोड़े को, हर एक लोगों को, किस तरह वो लोग डांस करे उस सब चीज को दिखाया गया, तो ये प्रेज वर्दी है, ठीक है। और इस पेंटिंग में क्या खासियत है, यूनिक, इसलिए ये खासियत है क्योंकि ये एक यूनिक एग्जाम्पल है किसका, प्रोविंशियल मुगल स्टाइल का, ठीक है, यानी कि ये एक लौता तो नहीं है, हालांकि बोल सकते हैं चूंकि, लेकिन ये क्या है, एक यूनिक है, ठीक है, यूनिक है, प्रोविंशियल मुगल स्टाइल का पेंटिंग में से एक सबसे यूनिक पेंटिंग है ये, ठीक है। और प्रोविंशियल मुगल स्टाइल को ही हम लोग बोलते हैं सूबाई मुगल स्टाइल, ठीक है, क्लियर है, शाहजहां के टाइम का ये बात है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रोविंशियल मुगल लिखता है, ठीक है। अच्छा अब पेंटिंग को थोड़ा सा देखें और पूरा जो है समराइज कर देते हैं एक ही बार में, आप आराम से जो है लिख लेंगे, ठीक है, ओन वर्ड्स में। किसी भी पेंटिंग को लिखना है, किसी भी पेंटिंग के बारे में लिखना है ना, आप उसके क्या करो, आप उसके इमेज को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। अगर आपको उसका इमेज याद है तो आप जो है उसके कंपोजिशन को आराम से लिख लोगे, अगर आपको पेंटर का नाम याद नहीं भी है तो भी, ठीक। और तीन बातें जो हम आपको बताए एकदम स्टार्टिंग में, कलेक्शन, टेक्निक और क्या बताओ, मीडियम, ठीक है, ये तीनों एकदम कॉमन है, ये तो एकदम लिख डालना है, ठीक है, बिना सोचे समझे, क्लियर। अब देखो इसमें क्या कुछ लिखना है, समराइज कर देते हैं। मैरिज पोजीशन ऑफ डारा शिको, ठीक है, तो यहाँ पे पेंटर क्या है, हाजिद मदनी, ठीक है, और ये पीरियड क्या है, प्रोविंशियल मुगल, ठीक है, प्रोविंशियल मुगल है। अच्छा और मीडियम क्या यूज किया है, तो वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा, ठीक है, करेक्शन क्या है, 1740 से 1750 AD। कलेक्शन क्या है, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखो क्या कुछ लिखना है, हम बता देते हैं, ठीक है। इस पेंटिंग एकदम गौर से देखिए, देखिए दिखा रहे हैं, इस पेंटिंग में देखिए आपको एकदम सेंट्रल पार्ट में देखिए क्या है बताइए, तो ये जो है पर्ल्स के, ठीक है, स्ट्रैंड है विद पर्ल्स, ठीक है, पर्ल्स से बना हुआ पूरा, जो कि अपने फेस को ढके हुए, कौन ढके हुए है, डारा शिको, और उनके पीछे कुछ लोग है, ठीक है, सम ऑफ द रॉयल ऑफिस, यहाँ पे फैमिलीज को दिखाया गया, ठीक है, फैमिली बोलिए पर्सन बोल लो, पर्सन चूंकि अच्छा रहेगा, ठीक है, तो रॉयल पर्सन को दिखाया गया और उनके बिहाइंड, ठीक है, यानी कि उनके पीछे जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखाया गया किनको, तो यहाँ पे दिखाया गया शाहजहां को विद अ डार्क ग्रीन जो है हेलो अराउंड हिज फेस, ठीक है, तो ये चीज दिखाया गया और वो उनके ड्रेसिंग कोड को जरूर लिखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे दारा शिको एंड शाहजहां आर वेयरिंग द वेल डेकोरेटेड एपरल्स, ठीक है, और रॉयल एपरल्स भी आप अच्छा रहेगा, ठीक है, रॉयल एपरल्स को ऐड करो, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्या दिखाएंगे, राइट साइड में ब्राइड के जो है फैमिली के लोग है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में देखो क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि हाजी मदनी जो है इस पेंटिंग को जो है मिनिएचर पेंटिंग को एक बिगर साइज ऑफ पेपर में बनाए, टेम्परा टेक्निक का यूज करके, मीडियम वाटर कलर है, ठीक है, और ये जो पीरियड है तो ये है प्रोविंशियल मुगल का पीरियड, ठीक है, यानी कि 1740 से 1750 के AD के बीच में जो बनाया गया है, ठीक है, और इसी पीरियड को बोलते हैं, ठीक है, इसी काल को बोलते हैं तो प्रोविंशियल मुगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या कुछ लिखना है कि मल्टी कलर और एक्सटेंसिव पेंटिंग है इसमें, ठीक है, इसमें बहुत सारे पर्सन को दिखाया गया, एक ग्रुप ऑफ पर्सन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन हैज बीन शोन ऑन द राइट साइड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द
ठीक है, माउंटेड ऑन द हॉर्सेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, एंड एलिफेंट्स आर ऑल्सो शोन, ठीक है, विच इज इन रोज, ठीक है, यानी कि एलिफेंट्स को रोज में एकदम दिखाया गया, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में ब्राइड की फैमिली, ठीक है, यानी कि ब्राइड एंड की दुल्हन की फैमिली है, ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट साइड में जो है क्या है खड़े हैं, और लेफ्ट साइड में जो है क्या है बहुत सारे हॉर्सेस और एलिफेंट्स को जो है रोज में दिखाया गया है। इस पेंटिंग में जो है, ये पेंटिंग जो है बनाया गया, ठीक है, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, ठीक है, इसमें जो है एलिफेंट्स का जो है यूज किया गया है फोर फीमेल मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत दूर से आएंगे तो वो तो चल के तो नहीं आएंगे ना, तो वो तो क्या है एलिफेंट्स पे बैठ के आएंगे, ठीक है, तो फॉर द ऑफ ग्रूम साइड, ठीक है, ग्रूम साइड यानी कि दूल्हे की तरफ से जो है क्या हुआ है, दूल्हे की तरफ से जो फीमेल मेंबर्स है वो सभी हाथी के ऊपर बैठ के आई हैं, ठीक है, और कुछ मेल जो लोग हैं, ठीक है, यानी कि मेल मेंबर जो है उस मैरिज प्रोसेशन के, यानी कि एक आम लोग, ठीक है, तो वो लोग क्या है एलिफेंट्स के ऊपर बैठे हैं, वेल इक्विपाइड एलिफेंट है, ठीक है, क्यों बैठे हैं, तो माउंटेड ऑन द एलिफेंट फॉर बीटिंग द बिग साइज केटल ड्रम्स, ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े ड्रम्स है उसको बजाने के लिए वहां पे बैठे हुए। लेडीज जो है इंक्लूड है, ठीक है, किसमें, कौन से ग्रुप में इंक्लूड है, तो ब्राइड की फैमिली में, यानी कि दूल्हे दुल्हन की फैमिली में जो है बहुत सारी लेडीज जो है ग्रुप में देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो पर्सन को दिखाया गया है, ठीक है, कि जो ब्राइड की फैमिली, ठीक है, वो सभी लोग ईगरली वेट कर रहे हैं ग्रूम के लिए, ठीक है, एंड द अदर एसोसिएट्स, ठीक है, और जो उनके तरफ से जो रिलेटिव्स आएंगे उनका भी वेट कर रहे हैं, ठीक है, और मिडिल ऑफ द पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा पेंटर जो जारा शिको को बनाया है, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हिल, इनकी एक ब्राउन कलर की कैप्रिसियन, ठीक है, हॉर्स के ऊपर जो है वो बैठे हुए, ठीक है, और वेल डेकोरेटेड रॉयल एपरल्स को पहने हुए हैं डारा शिको, अपने फेस को कवर किए हुए हैं स्ट्रैंड से, ठीक है, और वो जो है किससे बना है, तो पर्ल से बना है, ठीक है, और उनके बिहाइंड जो है कुछ लोग रॉयल फैमिलीज के लोग हैं जो स्टैंडिंग जो वहां पे खड़े हैं उनके साथ, ठीक है, और उन्हीं के बिहाइंड हिम, ठीक है, बिहाइंड दैट द शाहजहान हैज बीन शोर, यानी कि आपको शाहजहान को दिखाया गया, ठीक है, और उनके पीछे यानी कि अराउंड हिज फेस, ठीक है, वहां पे क्या दिखाया गया, वहां पर आपको एक हेलो दिखाया गया है विथ ग्रीन कलर, ठीक है, और शाहजहान को भी जो है माउंटेड ऑन, वो भी जो है बैठे हुए हैं कैप्रिशियन हॉर्स के ऊपर, ठीक है, तो इस चीज को लिखना है, और बैकग्राउंड में जो है वो मतलब ये भी लिखना है कि वो रॉयल एपरल्स वेल डेकोरेटेड पहने हुए, ठीक है, और क्या है कि इसके जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे स्पेस खाली है, ठीक है, बहुत सारे स्पेस जो है खाली है, और उसमें क्या दिखाया गया है, कलरफुल डिस्प्ले दिखाया गया फायरवर्क्स का, यानी कि ऊपर जो पटाखे हैं उसको दिखाया गया, ठीक है, बैक पार्ट ऑफ द पेंटिंग इस पिक्चर के, और फ्रंट पार्ट में एक यंग बॉय है जो डांस कर रहा है, ठीक है, और डांस कर रहा है वो दोनों की तरफ से, ठीक है, डांस कर रहा है इनकी ब्राइड के भी और ग्रूम साइड से भी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं गिफ्ट्स लिए हुए हैं और क्या कर रहे हैं एक फ्रंट लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और ऑर्डरली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इस पेंटिंग में जो है ना, जो ये इस पेंटिंग का जो साइड का जो बॉर्डर है इसमें ब्लू और यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है, जो बेस है उसको गोल्डन रखा गया, ठीक है, और ये जो स्किल है बहुत ही प्रेज वर्दी है जो कि बनाया गया है हाजी मदनी के द्वारा, और ये जो पेंटिंग है ये बहुत यूनिक एग्जाम्पल है सूबे मुगल स्टाइल का, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोविंशियल मुगल स्टाइल, ठीक है, तो यही था चैप्टर पूरा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ताकि आगे की नेक्स्ट की जो वीडियोस आने वाली है वो आप सबसे पहले देख पाओ, ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, तो आप फ्रीली जो है आराम से मतलब रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करो, ठीक है, और जब भी नया वीडियो आएगा ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, इसके बाद जो है अपना बंगाली स्कूल, ठीक है, आई होप कि वो शुरू होगा या फिर क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं, इसके बाद जो है हम डेकन स्कूल शुरू करने वाले, ठीक है, तो डेकन स्कूल का जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद भी आपका क्या है, उसके बाद है बंगाली स्टाइल, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, क्लियर, तो जो भी टॉपिक में डाउट है ऊपर सर्च बार पे जाइए और उस टॉपिक को सर्च कीजिए, बाय जीनियस एक्सपर्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है, और वो आराम से आ जाएगा आपको, ठीक है, तो आराम से आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल पे जाके एकदम नीचे स्क्रॉल करते जाइए होम पेज में ही, ठीक है,
नीचे मिलेगा आपको फाइन आर्ट्स का, ठीक है, क्लास 12, उसमें आपको बहुत सारे सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आप जितना भी है सब वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।